नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ बिंद की आवाज और बघेल खंड जैसे फेसबुक पेज के माध्यम से कलाकारों को एक नया आयाम देने वाले नितिन द्विवेदी धीरू दत्ता के नाम से मशहूर व्यक्ति से आपका हम साक्षात्कार कराने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। बिंद के सभी बघेली और बघेली समर्थकों और बघेली बोलने और समझने वालों को मेरा दगा नमस्कार। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो आपका बघेल खंड और बिंद की आवाज पेज है, तो इन माध्यमों के द्वारा आपके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, कैसे संपादित किया जाता है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं जब काम करना स्टार्ट किया था तो मेरे पास डाटा नहीं हुआ करता था। जैसे आपका डाटा आपके पास ही होगा, तो आपसे डाटा लेना, डाटा कैसे लेंगे, आपसे संपर्क बनाया जाएगा। उसके बाद संपर्क बनाया गया, डाटा लिया गया। अब डाटा आपने तो व्यवस्थित करके रखा नहीं है, आप मेरे को बताओगे। वो चीज़ें मैं लिया, फिर रात में उस चीज़ को बढ़िया से लिखा, राइटिंग करी, फिर उसको सारा मिलाया, फिर आपके पास दिखाया कि हाँ ये सारी चीज़ें सही है। उसके बाद मैं उसको उठा के फिर डाला पेज में और फिर लोगों को, दुनिया को दिखाया। मतलब जब आज मेरे पेज के 1 के 15,000 फॉलोअर्स है, 1 के थोड़ा कम है, तो जब दुनिया को दिखाया तो 1 के बारे में जब डाला तो फिर दूसरे से ऐसे किया, सब लोगों से संपर्क करता हूँ। और बहुत से साहित्यकार और कवि और यूट्यूबर अच्छी मदद करते हैं इस चीज़ में कि मैं एक बार डाटा कहता हूँ तो वो तुरंत डाटा उपलब्ध करा देते हैं। तो इस चीज़ से मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलती है काम करने की। और इस काम को करने में जो मूलभूत समस्याएँ आई उनका समाधान कैसे किया गया, और आपके पास जो टीम है उस टीम के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ठीक है क्या एक्चुअली समस्या यहाँ पे आती है कि आप जैसे अनुपम जी के बारे में लिख रहे हैं जी। तो अनुपम जी की आपने तारीफ करी तो अनुपम जी को अच्छा लगा कि हाँ बहुत अच्छा है, और आपने अगला किसी की तारीफ कर दी तो अनुपम जी को लगे यार इसकी क्यों कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम मेरे पास 1-2 बार क्रिएट हुई स्टार्टिंग में। अब तो नहीं होती, हालांकि सब समझ गए कि ये सबका करते हैं, पर स्टार्टिंग में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि यार आप उसी का क्यों करते हैं, हमारा क्यों कम करते हैं, या कि आपने उसका क्यों कर दिया, मेरा किया था तो ये चीज़ें होती। पर मैंने सबको समझाया कि सभी कलाकार एक होंगे तभी कार्य होगा, और चीज़ें दिख रही हैं। आप आज आपको ग्राउंड में भी चीज़ें दिख रही होंगी कि एक कोई कार्यक्रम उसी के बैनर तले सारे कलाकार इकट्ठा हो रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कई बार तो यहाँ तक कि मैसेज भी आ जाते हैं व्हाट्सएपों में कि भैया आपने उसका क्यों किया, हमारा क्यों नहीं किया, ऐसी चीज़ें। तो ये तो चलता ही रहता है, ये तो चलेगा लास्ट तक, जब तक आप कार्य करेंगे जब तक चलता ही रहेगा। कोई बोलेगा आपने हमारा क्यों किया, कोई बोलेगा हमारा क्यों किया। बस इसको कम्युनिकेशन बनाना है कि आप अंदर कुछ भी बोलो पर बाहर दुनिया को ना दिखे कि हमारी बघेली क्या कर रही है, ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं इस कार्य की प्रेरणा और इस कार्य का उद्देश्य क्या है? प्रेरणा मुझे मिली, मैं रहता हूँ दिल्ली में जी। जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वहाँ पे लगभग हरियाणा, पंजाब और बॉलीवुड के सभी कलाकार, मतलब अधिकतर कलाकार वहाँ पे आते हैं और कार्य करते हैं शूटिंग के लिए और कई चीज़ों के लिए। कई फिल्मों में भी मैंने, मतलब वहाँ पे जब शूटिंग होती थी तो मैं वहीं पे रहता था, 2-3 बड़ी फिल्में हैं। पर वहाँ पे जैसे जब हरियाणवी और पंजाबी आते थे तो थोड़ा सा अंदर से जलन लगता था कि यार साला हमारी बघेली का ऐसा कब होगा। आज से 4-5 साल पहले की बातें हैं, तो एक आदमी को जलन फील होती थी क्योंकि मैं बघेलखंड से हूँ, बघेली से, बिंद से हूँ, अपने रीवा से। तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि कुछ बघेली के लिए भी ऐसा हो, है ना। तो फिर 2017 में अविनाश तिवारी जी ने काम शुरू किया तो उनके सपोर्ट में कार्य किया। फिर कुलदीप तिवारी केडी भैया भी आए, मैंने उनका भी सपोर्ट करा और वो भी अच्छा कार्य कर रहे थे। फिर बीच में ऐसा हुआ कि सभी लोग अच्छा कार्य करने लगे, तो अब मुझे ये लगा कि अब जब मेरे पास 8-10 अच्छी टीमें हो गई हैं जो कि अच्छा कार्य कर रही, पहले 1-2-3 टीमें थी तो मैं अपनी आईडी से ही प्रचार प्रसार कर लेता था, 2-3 फेसबुक से और व्हाट्सएप से। पर जब मुझे अब ऐसा लगा कि मेरी यहाँ पे 10-12 टीमें अच्छे तरह से तैयार हो गई हैं जो कार्य कर रही हैं, तो मेरे मन में आया कि एक पेज बना के इनके बारे में प्रचार प्रसार किया जाए और इनको फैलाया जाए लोगों के पास। तो मैंने उस उद्देश्य से पेज बनाया और अब चलिए ठीक है, कलाकारों की टीम तो हो गई, और अब मेरे मन में ये आया कि चलो अब जो अपने कवि हैं, साहित्यकार हैं, इनको भी लेके चलते, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इस बघेली की नींव रखने वाले हमारे साहित्यकार और जो बघेली को जिंदा करके लाए अभी तक वो लोग हैं, उनके बारे में मैं लिखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितने पुराने लोगों का डाटा मुझे मिलता रहे
तो ले जाए, पर कई लोगों को नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे जो पुराने साहित्यकार हैं वो डिजिटलाइज नहीं है, वो डिजिटल चीज़ें नहीं चलाते हैं, इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है। अभी तक लगभग कितने कलाकारों का आपने अपने पेज के माध्यम से प्रदर्शन किया है, उन्हें एक बेहतर आयाम दिया? सर, मेरे पेज में बघेलखंड के कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बाहर भी कार्य कर रहे हैं, जैसे हिंदी में, हरियाणवी में, या भोजपुरी या छत्तीसगढ़ी में, उनको और बघेलखंड के कलाकारों को मिला के 112 कलाकार हो चुके हैं, और 3 कलाकारों को इंटरव्यू लिखा रखा है, पर कुछ अभी व्यस्तता के कारण मैं उनका नहीं कर पा रहा हूँ। और इस तरीके से एक बेहतर काम जो है तो हो रहा है बिंद की बोली को लेकर के, भाषा को लेकर के। साथ ही साथ अगर हम देश भर की विभिन्न भाषाओं की बात करें, स्थानीय भाषाओं की बात करें, या हिंदी और अंग्रेजी की बात करें, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो वास्तव में बेहतर प्रतिभा रखते हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से वो सही तरीके से लोगों के सामने तक नहीं आ पाते हैं। तो इस बारे में जो है तो भविष्य में क्या काम करने का आपका इरादा है? इसके बारे में अभी तो हमारा ये चल रहा है पेज और चीज़ें, इन केस फ्यूचर में मैं ये सोच रहा हूँ कि यदि ऐसे ही चलता रहा और यदि हमें पड़ी ज़रूरत तो मैं एक बघेलीवुड का न्यूज़ चैनल बनाऊँगा जो केवल बघेली के और बघेली कलाकारों का। मुझे बघेली खबरें तो बहुत सारे चैनल है हमारे पास जो अपने यहाँ की खबरें चलाते हैं, लगभग 90% है, पर एक भी चैनल ऐसा नहीं जो केवल कलाकारों को दिखाए, खबरें और कलाकार सब दिखाते हैं पर केवल कलाकारों को दिखाए। तो मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि आगे चल के केवल कलाकारों के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो केवल कलाकारों के लिए हो, खबरों से ज़्यादा मतलब नहीं, केवल कलाकारों की खबरें हों कि कहाँ पे कौन सी शूटिंग हो रही है, कौन सी फिल्म कब तैयार होगी, कौन सी यूट्यूबर अच्छा बूस्ट कर रहा है, कौन सी यूट्यूबर अच्छा काम कर रहा है, ये चीज़ें। तो इसमें देश भर के कलाकारों के बारे में बातचीत की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। और इस कार्य करने के पीछे आपका जो मूल उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या है, जो कब तक पूरा होने की पूरी संभावना है? सर, मेरा उद्देश्य तो ये था कि एक हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो, हमारे पास सब कुछ है, सिंगर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्शन वाले हैं, कलाकार हैं, सब कुछ है, साहित्यकार हैं, कवि हैं, यहाँ तक कि व्यंग कवि, हास्य कवि, और यहाँ तक कि अब आज के डेट में हमारे यहाँ पे एक्टर्स जो लेडी एक्टर कुछ दिन पहले हमें ढूंढना पड़ता था, आज हमारे यहाँ लेडीज़ एक्टर लड़कियाँ भी कलाकार बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि कई लड़कियाँ ऐसी जिनका नेशनल लेवल पे कार्य हो रहा है, वो काम कर रही हैं। तो इस चीज़ को ये है कि हम सबको लाएँ, जो हमारे रीवा सतना और बिंद का बघेलखंड का कलाकार है वो यदि बाहर जाके कार्य कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, पर ज़रूरत पड़ने में वो बघेली में भी कार्य करे और हमारी बघेली को सपोर्ट करे, ये मतलब अपनी भाषा को सपोर्ट करे, मूल उद्देश्य ये है। और काम जब शुरू किया था, आज जो काम चल रहा है, तो तब और अब में क्या अंतर देखते हैं? सर, तब में अब में बहुत चीज़ों का अंतर है। पहले क्या होता था, हमें समर्थन मांगना पड़ता था कि आप समर्थन करें बघेली के लिए, पेज बनाया है हमने, लाइक करें, शेयर करें, पर आज ऐसा समर्थन मिल गया है कि हम इंटरव्यू, लोग पूछते हैं कि अब किसका इंटरव्यू आने वाला है और कब आएगा, लोगों के प्रति ये चीज़ें आ गई हैं कि उनको एक आशा रहती है कि हाँ ये हमारे कलाकारों के बारे में कर रहे हैं तो इनसे कलाकारों के बारे में जानकारी ली जाए, और पूछते रहते हैं, यहाँ तक कि कई जो अखबार पत्र वाले हैं ये तक भी हमसे डाटा लेते हैं कि सर इनका डाटा थोड़ा सा दीजिए, डालना है, कई लिए हैं। तो मुझे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, चलिए आज बघेली के लिए कोई तो कार्य कर रहा है, जैसे आप भी कार्य कर रहे हैं, आप जबलपुर से आए हैं कार्य करने के लिए, खबरदार न्यूज़ से जबलपुर से आए हैं, है ना, और यहाँ के कलाकार भी कार्य कर रहे हैं, ये चीज़ों की खुशी होती है कि यार चलो कुछ तो बन रहा है। पहले आज से 4-6 महीने पहले तक लगभग गिनी चुनी खबरें हमारे कलाकारों की आती थी, मतलब महीने में एक आध किसी की आई तो आई नहीं, वो भी नहीं, पर अब कंटिन्यू खबरें आती रहती हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो ये चीज़ें अच्छा लगती है कि चलो बघेली के कलाकारों का कुछ हो रहा है। मेन तो हमारा बघेली लैंग्वेज को, जो बघेली बोली है हमारी, उसको बढ़ाने का मेन उद्देश्य है, पर बघेलखंड के कलाकारों को साथ में लेके यदि कोई दूसरी भाषा में भी कार्य कर रहा है, हम उसका भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी मिट्टी का नाम बढ़ा रहा है, इसलिए हम उसका भी सपोर्ट करते हैं। चलिए, आपने बघेली को लेकर के, बिंद को लेकर के, और विशेष तौर पर कलाकारों को लेकर हमारे साथ चर्चा की, भविष्य में आपका कार्य और अधिक अग्रसर होगा, इसके लिए द खबरदार न्यूज आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद आपका अमूल्य समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, आभार। तो ये थे हमारे साथ धीरो दत्ता, देखते रहिए द खबरदार न्यूज, नमस्कार, धन्यवाद। मेरा आप सभी बघेलखंड और सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि द खबरदार न्यूज को
सब्सक्राइब करें। और ये द खबरदार न्यूज आपको हमेशा बघेलखंड के कलाकारों और बघेली फिल्मों के बारे में जानकारी देता रहेगा और पूरे भारत की मूलभूत न्यूज चैनल जो न्यूज खबरें हैं आपको खबरें हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अनुपम अनूप जी, इनको बेस्ट ऑफ लक। और द खबरदार न्यूज को मैं यही चाहता हूँ कि आगे चल के ये एक ऐसा चैनल बने कि जो पूरे विश्व में चले, अपने मध्य प्रदेश और यूपी और ये स्टेट छोड़ के पूरे देश में चले, पूरे इंटरनेशनल इसका वर्क हो, यही शुभकामनाएं मैं देता हूँ द खबरदार न्यूज को।